में, सर में, दाढ़ कोई भी में, दांतों में, कोई कोई भी भी, हिस्सा है ना, तो इवन आप के बहुत परेशान हो अगर जाते हो। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और मेरे कोई ये छुरी से कट जाता है, उसमें इतनी तकलीफ हो रही होती है, बहुत होती है। तो अभी ये आप छोटी किस तरह छोटी कहते तकलीफ हैं? से भी अल्लाह पाक आपकी दर्जात को बुलंद करता है, लेकिन बिल्कुल समझने करता है वालों हाँ, के लिए, हाँ समझने लेकिन वालों के बताने लिए। बताने का मकसद ये कि एक जरा सी भी तकलीफ हो तो आपकी पूरी बाजू में, पूरे हाथ में तकलीफ हो पूरे रही होती बाजों है। में तकलीफ, हाँ पूरे हाथ में, कहते नहीं कि उंगली में तकलीफ हो जाए, नाखून में कोई तकलीफ है तो आपके पूरे बाजों में तकलीफ होने लगती है, ये और जब आप जो है था ना, कोविड हाँ आया हुआ था बीमार हाँ, तो जी, कोविड, मेरे पता नहीं इस तरह का ना हाँ मेरे 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 माथे पर हर्पस जॉस्टर एक चीज होती है वो हो गई थी और सब वही, बंद पड़ा हुआ। मैं पूरी रात जागी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कोई गर्म सी कोई चीज मेरे रख दी गई है उस जगह पर। तो खैर वो बड़ी मुश्किल से वो एक एक हॉस्पिटल का वो किया, तो मैं गई तो पूरा हॉस्पिटल बंद ही था, सिर्फ वो डॉक्टर ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखते ही कहा ये क्या करवा लिया क्या कि ये अगर बना अगर हॉस्पिटल खुला होता मैं तुम्हें एडमिट कर लेता, और तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कोई दिया। तेजाब गिर गया हो। दिजाब गिर गया। तकलीफ तो कोई भी हो भाई, कोई वो भी हो तकलीफ होती है, तकलीफ हाँ हाँ छोटी हो बड़ी बिल्कुल हो तकलीफ बड़ी होती है वो। हाँ कभी और कभी आपने क्या हम किया? ऑयल हाँ छींटा ऑयल का छींटा लग जाता है वो कितनी तकलीफ लग देता है। जाए वो भी तकलीफ देता है, और फिर बिल्कुल पूरा इंसान कभी जल जाए तो उसकी क्या हालत होती। इस्तग़फ़ार, मैं तो ऐसा बस तौबा, बिल्कुल बस बहुत अल्लाह पाक से खतरनाक हर चीज वक्त है। ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ताकि अल्लाह पाक बेशक हमें जहन्नम की आग से बचाए। आग से तेज बचाए। गर्मी है, आप ये पढ़ें, चूल्हे के पास गई हैं, चूल्हा ऑन किया है और तेज आग है, तो उस पे मेरे मुंह से बेसाफ ये चीज निकलती, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, हाँ क्योंकि भाई अल्लाह पाक बस दोजख की आग से बचा के रखे सबको। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी मुझे जरा ये तो बताएं सोनिया के कुछ खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हम जब सालन पकाते हैं तो उसके ऊपर ऑयल नहीं आता, वो देखने में सालन अच्छा भी नहीं लग रहा होता, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं हो रही होती है। तो किस तरह ऑयल को सालन के ऊपर लाया जाए कि खूबसूरत लगे देखने में? खूबसूरत लगे। देखें, ऑयल को लाने के लिए ना, आप जब सालन तैयार करती हैं, जब उसके दम में रखती हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी डाल दिया कर हाफ अच्छा टेबल स्पून, हाँ अच्छा आप डाल दें, और डालने के बाद उसको अच्छी तरह हिला के उसे हल्की आंच पे छोड़ दें, ऑयल जो है ना उसका पूरा ऊपर आ जाए। बहुत अच्छी अच्छा रहे, अच्छा हाँ अच्छा बहुत और अच्छी मुझे तो चीज है ये, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत पसंद है, हाँ तो ये आप डाल लिया करें, मैं वैसे तो भी ये डालती हूँ, डाला करें, मैं हाँ डालती खानों में हूँ। डाला करें, चाहे कोरमा हो, चाहे इसकी मैं खुशबू लाजमी इनहेंस हो जाती है ज्यादा, हाँ आलू गोश्त में तो मैं लाजमी तौर पे आलू डालती हूँ, गोश्त में जी, और मैंने भी बनाया था आलू गोश्त, चेन्नई की दाल गोश्त होता है मैं उसमें भी दाल डालती गोश्त हूँ। है, लौकी चने की दाल है, या लौकी चने की दाल गोश्त बनाए उसमें भी डाल दें आप, तो इसके जो ऑयल जो है ना बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ये इसकी खास एक वो है कि आप जो है ना, हाँ कसूरी मेथी डाल दें, हाफ टी स्पून डाल दें, बहुत कम है तो थोड़ी दो चुटकी डाल दें, और इसे छोड़ दें हल्की आंच पे दम में रख दें, देखें आपके जो है ना ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा साथ। अच्छा। दूसरा मुझे ये बताइए कि जब हम अंडा और कबाब हम तल रहे होते हैं तो झाग झाग सी बन जाती है, क्यों और जी किस अक्सर ये कारण? होता है, हाँ अक्सर लोग पूछते हैं, झाग सा यूं हो जाता है कि जब उसमें ऑयल आप ज्यादा गर्म कर देते हैं या नहीं भी करते हैं तो झाग सा बनने लगता है, तो उसका एक हल है, एक जो है ना पंच वो डाल दो उसमें हल्दी का, जब भी आप हल्दी फ्राई का करने के, हाँ हल्दी का हाँ एक पंच ऐसे हल्का सा बस डाल दें, और आप ऑयल जो के है ना अंदर उसमें, हाँ ऑयल के अंदर, और उसको जो ओके है ना, हाँ हल्के से ये करके और उसमें आप फ्राई करें, बिल्कुल भी झाग नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं, ना ऊपर आएगा तेल, ना झाग बनेगा, ना कुछ होगा, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, कबाब हो, अंडा हो, यानी कोई भी चीज आप फ्राई कर, जी हल्दी का थोड़ा अच्छा। सा छींटा मार दिया कर। कभी देचकियां, कभी कुछ सालन जल जाता है वो देचकियों का साइड पे लग जाता है, तो उस वो नहीं वॉश नहीं हो रहा होता सही, तो उसको आसान तरीका कौन सा? वैसे आसान मैंने तरीका सुना ये है है, कि हाँ पानी पानी डाल के उसको थोड़ा चूल्हे पे रख दो, ये भी चूल्हे मैंने पे रख सुना दो, था। हाँ ये सही सुना आपने, इसको आप पानी पे डालकर चूल्हे पे रख दें और उसे पकने दें थोड़ा, जब उसे जोश आ जाए एक तो आप उसे उतार के रख दें और चमचे से उसको निकालें, साफ हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह, ये जो मोटा मोटे वाले जो तार वगैरह नहीं है जामा हाँ जिसको हाँ कहते बिल्कुल हैं झूला, आप इसे साफ करें अच्छी तरह से, साफ हो जाएंगे बर्तन सारे। वो
ये ज्यादातर जो दूध की देचकी है ना, ये प्रॉब्लम नहीं, कर रही ये है आप लोगों इसी की। तरह से करें और उसमें थोड़ा सा जो है ना सोडा डाल दें। जब अच्छा पानी बॉयल हो ठीक जाए आप उसे उतार के रखें और उसमें 1 टेबल स्पून जो है ना सोडा डाल दें, यानी कि 1 टेबल स्पून भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, उससे भी थोड़ा हाफ कर दें और डाल के आप कौन सा, इसे मीठा छोड़ मीठा दें। हाँ मीठा सोडा? सोडा है जो खाने में नहीं डालते सही, हम, हाँ ये डाल दें। ठीक। हाँ और और हम डाल के छोड़ बेसन दें। में भी डालते हैं पकौड़ों के लिए कि जी सॉफ्ट जी हो जाए। बेसन में डालते हैं, हाँ ये वाला बेकिंग सोडा नहीं, खाने ठीक वाला जो ठीक सोडा होता है ना ये वाला। ठीक 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 सही तो ये चीज सही। है। ये कि अब जो सुन रहे होंगे प्रोग्राम और उनके साथ अगर ये कुछ हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें समझ आएगी कि इसको आसान तरीका बहुत ये है। आसान हल है ये, बस पानी गरम बॉयल करने रख दें, थोड़ी देर उसे छोड़ दें, बहुत ठंडा ना हो, क्या फिर से वो हार्ड हो जाए। तो उसको जो है पानी फेंक के उसको चमचे से साफ करें, फिर वो तार है उससे साफ करके अच्छी तरह बस वॉश कर लें, बर्तन साफ हो जाती है चीजें। सही। और कॉकरोच भगाने के लिए क्या करें? कॉकरोच हमारे भी नजर आ रहे हैं कॉकरोच दो तीन। भगाने के लिए मैंने, मेरी रेमेडी है ये बहुत अच्छी है, अगर आप लोग भी करना चाहें तो करें और करना भी चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई के लिए तो आपको पता है कि जब आप घर पे किचन में कोई काम नहीं होता, आपने सालन बना लिया, सारी चीजें रात का खाना बना के तैयार कर लिया, आपने बर्तन सारे सफाई से अच्छी तरह से एक बास्केट ले या टोकरी लो, उसमें सारे बर्तन आप डाल ठीक दें और है। मसाले की जो है ना ये भी एक बास्केट में वो भी डाल दें, या किसी उसमें जो है ना बड़े किसी चीज में बॉल में डाल के आप सारी चीजें एक तरफ साइड पे रख दें, रूम में रख दें, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दें। और आप क्या करें कि अच्छी तरह जो है ना किचन की सफाई करें, अंदर से कैबिनेट वगैरह अच्छी तरह से साफ सुथरा करने के बाद फिर आपने क्या करना, पानी को बहुत हार्ड गर्म करना है, बिल्कुल पकाना है, उबलता हुआ पानी होना अच्छा चाहिए। हाँ अच्छा उसको बॉयल करके आपने अपने पास रख लेना है नीचे की साइड पे, और जो है उसपे जो है किसी भी स्टील के जो डोंगा वगैरह नहीं होता है, जैसे चाय बनाते हैं जिससे चाय वाला जो होता है डोंगा, वो उसकी मदद से आप उसमें जो जोड़ है जो अंदर का उसका कैबिनेट के अंदर वो आप डालें, और डाल डाल के छोड़ दें, क्योंकि ना ये हसद करता है इंसान से, ये चीजें जो है अच्छा कॉकरोच जो है ना ये इंसान से अच्छा इतना यानी कि हसद है इसको कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप कभी इसकी जो हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता हाँ, लगेगा कि ये बहुत ज्यादा इंसानों से हसद करता है। तो ये एक तो इंसान को इंसान से होता है, खोलता खौलता हुआ पानी पानी जा। आप पूरे अंदर सारे तरफ डालें, और हाँ डालने के बाद पहले तो कोशिश करें कि वाइट जो सीमेंट होता है ना उससे आप हाँ पूरा ना अच्छी जो खाली बंद जगह कर तो ना दें। छोड़ें उसे बंद ठीक। कर दें, और अगर कहीं पे ये नजर आए तो आप जो है ना ये डाल दें गर्म पानी से, सारा मर जाएगा, कभी होगा ही नहीं, इससे आप अच्छा कर लिया इसकी, करें। हाँ इसकी हाँ हिस्ट्री, मुझे इसकी हिस्ट्री जरा बताएं। इसकी हिस्ट्री बड़ी फुर्सत से बताने की है, मैं आपको नेक्स्ट उस पे मैं जरूर बताऊंगी। इसकी हिस्ट्री ठीक ऐसी है कि इंसानों से ये ऐसी हसद में रहता है कि ये हर वक्त कहता है कि इंसान को बर्बाद करने का सोचता है, और जिस ओ घर में ये अच्छा हो तो वहाँ लड़ाई झगड़े, टेंशन, मियाँ बीवी की लड़ाई, घर में जो है बहन भाइयों की और आपस में बनती नहीं है, और ये वॉशरूम में चाहे कॉकरोच हो चाहे वो जो छोटे वाले जो होते हैं वो हो, लाल बेक हो, कोई भी हो, ये सारी जो एक ही खानदान है, और ये इंसानों को देख के ना इसका ऐसा ये रिएक्ट करता है कि बस मैं ये क्यों आ गया, ये चाहता है कि सिर्फ मैं रहूं इंसान ना रहे। तो ये कहते नहीं अच्छा हासिदों के हसद से बचाए अल्लाह पाक, तो ये इंसान तो हाँ करता है, जिन जिन्नात भी करता है और ये चीजें भी बिल्कुल। करती है, इसलिए आपको हर वक्त दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक इंसान के शर से, शैतान के और शर से, जिन के शर से बचा के रख, और हासिदों के हसद से बचा के रख। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात जी है। और ये हाँ हसद करता है ना, तो ये आपको देख के, आप देखें किसी घर में जाए ना और आप वो देख के कैसे भागता है वो ना, और वो बददुआएं भी करता है कि इनको बर्बाद कर दे, इसलिए कि अच्छा इसको इसको आप होने ही ना दें, जैसे देखें आप फौरन इसको जो है ना इसकी सफाई करें, और इसमें जो पाउडर नहीं होता है जो कैरम वगैरह खेलते हैं ये पाउडर आप हाँ इसके चारों तरफ डाल दें। सही हाँ सही सही और जो है फिर ये नहीं होगा, जहां देखे एक भी हो गया ना आप इसका खात्मा करें, ये बहुत बहुत ही यानी मुझे ना बड़ा इससे, इसको देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, और मुझे जो हिस्ट्री पड़ी हुई है ना वो मुझे याद आ जाती है इसकी सारी, ये बड़ी इमाम जाफर अली सलाम की हिस्ट्री में है, ये आपको मैं बताऊंगी। अच्छा जी ये उन्होंने बोला अच्छा है कि ये जिस घर में हो उस घर के लिए ये बद दुआएं करता है, और उस घर से नहुसत जो है ना वो खत्म नहीं होती,
जब तक ये एक भी रहता है तो एक भी नजर आ जाए आप इसे खत्म करने की कोशिश करें, नहीं तो आप जो है ना फल फूल नहीं पाएंगे। ये हो,